रेवाड़ी में नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस साल का पहला घना कोहरा सड़कों पर दिखाई दिया। शहर के साथ साथ बाहरी इलाके में भी घनी धुंध छाई रही। सोमवार को इस साल का पहला घना कोहरा सड़कों पर खूब दिखाई दिया। साथ ही न्यूनतम तापमान भी लुढ़कर 3.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। आज सोमवार अल सुबह मौसम साफ था, लेकिन 7 बजे के बाद अचानक सड़कों पर कोहरा छाने लगा और 8 बजे तक शहर के अलावा पूरे ग्रामीण इलाके में घने कोहरे की चादर फैल गई। मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही कड़ाके की ठंड की संभावना जताई थी और ठीक उसी संभावना के बीच फिर से कमकबा देने वाली ठंड शुरू हो गई। शीतलहर और घने कोहरे का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा। सड़कों पर दृश्यता कम रहने से लाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। बता दें, पिछले 4 दिनों की बात करें तो ठंड से पूरी तरह राहत मिली हुई थी। 26 दिसंबर के बाद लगातार दिन के साथ साथ रात का पारा भी लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से सुबह व शाम के वक्त ही ठंड पड़ रही थी। रविवार को अचानक मौसम ने करवट ली और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री से गिरकर 4 डिग्री पर आ गया। सोमवार को इसमें 0.5 डिग्री की गिरावट के साथ 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सोमवार अल सुबह जहां बर्फीली हवाएं चलने शुरू हुई, वहीं उसके बाद कोहरा भी तेजी के साथ बढ़ता चला गया। उत्तरी बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी इलाके खासकर NCR की तरफ हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में हार्ड कंपा देने वाली ठंड देखने को मिलेगी। रात और दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ये मौसम फसलों के लिए फायदेमंद है। अगले कुछ दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा, पाला जमने की संभावनाएं हैं, इसलिए किसानों को फसलों की हल्की सिंचाई करते रहने की जरूरत है ताकि फसलों को पाला जमने की स्थिति में नुकसान ना हो। अभी ऐसे मौसम में गेहूं और सरसों की फसल में अच्छा फुटाव है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।